जय श्री महाकाल आप सभी को। मैं यश गुप्ता, मेरे चैनल महाकाल भैरव आर्मी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कि लोग देखिए क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए यूट्यूब स्टूडियो आ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने, आप पहले मुझे ये बताइए भाई मेरी गलती क्या है, ठीक है? कुछ और हो ना हो पर पहले मेरी गलती बता दीजिए क्या है वो, ठीक है? तो देखिए मैंने जो वीडियो बनाए थे इसमें से मेरे को एक भी कॉपीराइट दिखा दीजिए कि ऐसा जो भी मैंने वीडियो बनाया ऐसा किसी और ने बनाया हो तो मैंने उसके जैसा बोला ही कि नहीं, ये भी देख लीजिए, ठीक है? तो देखिए पहले तो बात बोलता हूँ कि जो मैंने सुशांत सर के लिए जो बनाया था वीडियो वो किन किन लोगों ने देखा क्या, किन किन लोगों ने उसको किया? 5-6 लोग में से कोई नहीं किया रहेगा, और लाइक देख के तो पता चल रहा है भाई कितना किया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए एनालिस्ट में देखिए और सब्सक्राइबर चेंज और जो भी है और कितने ज़्यादा लोगों ने कौन सा वीडियो क्या देखा है, ये देखिए सबसे ज़्यादा देखा है काल भैरव अवतार और मुंडमाला बेनिफिट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। दिखाता हूँ मैं आपको उसका। हाँ तो भाई ये देखो मुंडमाला पार्ट 1 ये रहा, अभी देखिए आप खुद ही, उसमें लाइक है 6, ठीक है, और कमेंट है 2, और व्यूज़ कितने बताए थे 155 या 150 के ऊपर, ठीक। तो भाई आप लोग को इतनी दिक्कत हो रही है कि एक लाइक बंदे के लिए छोड़ दूँ कि मैं क्या कोई गलत काम कर रहा हूँ, किसी को बेवकूफ़ तक बनाया मैंने, ये बता दो, ठीक है? और रही बात सब्सक्राइबर की, 43 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, मैंने मेहनत से बनाए हुए, ठीक है? तो आपको इतना ये लग रहा है, और मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि भाई पसंद नहीं है तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, ठीक, ऐसे नहीं लाइक के लिए भी नहीं मांगता, डिसलाइक ज़रूर कर देना। और एक और बात कि आप बोलोगे कि किसी यूट्यूबर से अपना प्रमोशन करा लो, तो मैं पहली बता देता हूँ, धनंजय भैया ने मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बोला हाँ कर देंगे, पर मैं अभी उनसे ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे प्रमोट करें, उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ उनमें से एक भी वीडियो में अगर गलत बना रहा हूँ, ये गलत ज्ञान दे दिया, नाम किसका खराब होगा? धनंजय भैया का। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पोजीशन पावर नहीं चाहता, मैं पर्सनल पावर चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगे कि धनंजय भैया नहीं करेंगे मेरा, वो करने को मैं बोल दूंगा, पर अभी नहीं, पहले मैं अपना खुद की मेहनत से जो भी मैं ढूंढता हूँ या बुक्स पढ़ता हूँ या सत्संग सुनता हूँ उन सब के इसमें से जो भी मैंने ये वीडियो बनाया है बस वही मैं डाल रहा हूँ। तो धनंजय भैया ने मुझे बोला तो है था, पर मैं उनको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? और प्लीज़ यार देखो आप वीडियोस देखते हो, कम से कम एक लाइक या डिसलाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर कुछ लिख दो। अगर मुझे उसका जवाब पता भी नहीं होगा मैं धनंजय भैया से पूछ के बता दूंगा। यार थर्ड डे इतने वीडियो बना दिए, लाइक तो थोड़ा डिसलाइक कर देना चाहिए ना अगर नहीं पसंद आता आपको। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये वीडियो किस लिए बनाया था मैंने। और इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि ये जो महाकाल भैरव आर्मी है उसका असली असली फाउंडर कौन है, ठीक है? और देखिए इस वीडियो को मैं रखूंगा, डिलीट नहीं करूंगा, पर प्लीज़ यार लाइक करो या डिसलाइक करो, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो इसी के साथ ये वीडियो करता हूँ मैं स्टॉप। और अरे हाँ एक और मेरे एक भाई है, या मतलब कि एक उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर से मुझे कॉल करके बोला था कि तुम साधना ही कराते हो, तो भाई आप वीडियो देख रहे होगे तो आपका नंबर जो है मेरे से डिलीट हो गया है। तो मैं बता दूँ मैं साधना ही नहीं कर रहा था, मैं अभी खुद साधना कर रहा हूँ, मैं बस छोटा मोटा जो भी मेरे पास बचा कुचा ज्ञान है या सत्संग सुनता हूँ बुक्स पढ़ता हूँ उसमें का जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं उसमें से देता हूँ। तो जय श्री महाकाल आप सभी को, आज के लिए इतना ही।